तो फिर से एक बार हाजिर हूँ गुलाम हैदर के सपोर्ट में और सीमा हैदर के विरोध में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार सीमा हैदर हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ा रही है, हमारे भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। मैं जैसे कि आप देख रहे हो खेत में हो, वहाँ पे एक आंटी जी हैं और मैंने पहले भी उनका इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मैं फिर आंटी से पूछूंगी कि सीमा हैदर के बारे में हमारे देश के लोगों की क्या सोच है। आज फिर खुले आसमान के नीचे आप हमें देख रहे हैं, जो गालियां देते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हम समाज सेवा कर रहे हैं और समाज से जुड़े लोगों को यहाँ पे उनका हमें सपोर्ट चाहिए। और जैसे कि लोग कहते हैं सीमा हैदर हमारे देश में आके हम सीमा हैदर के नाम से व्यूज ले रहे हैं, तो लालच है आप जैसे लोगों को कि आप हो तो भारतीय, हमारे अपने मुल्क का खाते हो, मुल्क का सब कुछ करते हो, लेकिन अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हो। और हमारे देश की महिलाएं देखिए इतना हार्ड वर्क कर रही है आंटी। और जैसे कि योगी जी का शासन है यूपी में और ये आंटी यूपी से ही है और मैं उत्तराखंड से हूँ, ये हमारे उत्तराखंड में आके रह रही है और इतनी हार्ड वर्किंग लेडीज है, देखिए इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रही है। मसूर है, मसूर आपने देखा होगा जो दाल होती है, ये दाल है, इन्होंने खुद लगाई बोई काटी और अब हार्ड वर्क कर रहे हैं। आंटी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, बोलो बोलो क्यों नहीं, हम अपने देश के रहकर मुँह पे नाम बोल मिल रहा हूँ, उनकी तबीयत जरा खराब है। और जैसे कि हमारे देश की महिलाएं इतना हार्ड वर्क करती हैं, इतना मेहनत करती इस उम्र में भी इज्जत के साथ, अपना नाती पोते भी हैं इनके, बेटे के बच्चे, बेटियाँ भी हैं आपकी, बेटियाँ भी हैं, कितनी बेटियाँ हैं, दो बेटियाँ, शादी कर दी। जो सीमा हैदर आई है उसके बारे में मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे, लोगों ने पसंद भी किया है, अब उसके ऊपर कई सारी धाराएं लग गई, जो इसका पति था गुलाम हैदर उसने पाकिस्तान से यहाँ केस कर दिया, तो इसके जो भाई मुंह बोले वकील हैं पिसिंग, उनका कहना है कि ये गुलाम हैदर केस नहीं कर सकता है क्योंकि वो पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानी सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस महिला के बारे में? हम तो कह रहे हमारे देश से आधा हो जाए, चले जाए यहाँ से, क्यों नहीं देश को अपने यहाँ आप पसंद नहीं करते उसे? ना तो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, गरीब लोगों की मजाक उड़ा रही है, हम कितने बुजुर्ग लोग हैं, इस मजूरी कर कर के पेट पाल रहे हैं हम अपना, जी जी बच्चों को भी पाल रहे हैं, क्या करें, हम कहाँ चले जाए, मजूरी कर रहे हैं, वो आराम से खा रही है, वो खा रही है। इसका कहना तो है कि भारत में मुझे प्यार मिल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भारत ही बेकार है, आधा तो मुसलमान में घुसा है, आधा हिंदू में घुसा है, मुसलमान से हम बहुत नफरत करते हैं। मुसलमान सब मुसलमान और हिंदू एक जैसे नहीं होते, कुछ कट्टर मुसलमानों में भी होते हैं, हाँ। कुछ हिंदुओं में भी होते हैं, यही तो बोल रहे हैं। लेकिन ये भारत में रह रही है तो हिंदू मुस्लिम भी ये करवाना चाहती है, जिस तरीके से इसने धर्म परिवर्तन करा, अपने बच्चों का पाकिस्तानी है, गुलाम हैदर को हम इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके मासूम बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। आप क्या चाहते हो कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए कि नहीं? उसको मिलना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि माँ माँ परवरिश अच्छी करती है, तो पिता को नहीं माँ को ही मिलने चाहिए, तो इस पर दूध लगाऊं, टाइम हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहो? दो मिनट लूंगी आपके। गांव की महिलाएं देखो इनके लिए कि समय कीमती होता है, दूध निकालना करे, फिर भी दो मिनट लूंगी आपका मैं। तो आप क्या सीमा हैदर को सपोर्ट करती है? आपकी यूपी में जो योगी जी की सरकार है वो क्या चाहती है? हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हमारे देश छोड़ कर चली जाए, हम नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रही है, अभी तो पसंद नहीं है हमारे, क्योंकि गांव की महिलाएं, दोस्तों मैंने पहले भी आपको गांव की कुछ वीडियोस दिखाई थी जिसमें महिलाएं थी और उनका कहना भी यही था कि हम गांव की महिलाएं और साफ स्वच्छ तरीके से काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। वही है महिला जो इनलीगल घुस के आई है और इन सारी जो हमारी देश की महिलाएं हैं उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है इसका यहाँ रहना। और सभी लोग यही कहते हैं कि हम हमारा कोई काम नहीं है, हम सीमा हैदर को एक्सपोज करने में लगे हैं, तो उनको कुछ आग लग रही है कि भाई क्यों बेचारी के पीछे पड़े हो। तो यही कारण है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो गांव का माहौल है बिल्कुल लास्ट सुनसान एरिया और यहाँ पे हर तरफ चर्चा मची हुई है कि हम लोग तो अपने मुल्क में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन ये लेडीज गंद में गंद मचाए जा रही है और ये कानून की धज्जियां उड़ा रही है, ये किसी भी चीज को नहीं बख्श रही। जैसा कि ये लगातार इसका आ रहा है, इस समय इसकी वीडियोज वायरल हो रही है, यहाँ से ये पाकिस्तान खबरें भेज रही है, दूसरे मुल्कों में वीडियोज भेज रही है और तमाम तमाम वो चीजें कर रही है
जो बिल्कुल भी इसको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये नज़रबंद है हमारे देश में। ये अभी बेल पर छूटी हुई है और गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में घुसपैठ करके आई है, और इसका पता नहीं कि ये आगे क्या क्या करने वाली है। और मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं। डरते तो नहीं हम, उत्तराखंडी लोग हैं, हम ऐसी धमकी से डरते नहीं हैं, क्योंकि जब हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उनसे मैं कहती हूँ आप कोर्ट के थ्रू करें काम, अगर आप सीमा हैदर को सपोर्ट करते बिल्कुल करें, क्योंकि जिस तरीके से इसने हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ाई, हमारे देश के महिलाओं के भाइयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया है, सभी लोग आहत हैं इस महिला के इस व्यवहार से। लगातार ये उस एक के बाद एक चीज़ें करती जा रही है, अपने मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। गुलाम हैदर एक इंसान है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर जिस तरीके से इस महिला ने एक महिलाओं के ऊपर ना एक सवाल खड़े कर दिए, जिनके पति बाहर नौकरी करते हैं उनको ये डर है कि अगर हमने अपनी पत्नियों को बच्चों को छोड़ दिया, पता नहीं वो औरत क्या करेगी हमारे बच्चों के साथ। इस डर से जो बाहर मुल्कों में जॉब कर रहे थे लोग, कमाने के लिए जा रहे थे, उनके अंदर एक डर बैठ गया कि अगर हम चले गए तो हमारी पत्नियां शायद इसकी तरह कोई ऐसा कदम ना उठा ले। और दूसरी बात, वो महिलाएं भी डर रही हैं, उन महिलाओं को भी खुला वो मिल गया है जो गलत फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पबजी वगैरह यूज़ करती सोशल मीडिया, तो वो महिलाओं को भी ओपिन लगने लगा है कि अगर जब ये कर सकती है इलीगल महिला दूसरे मुल्क में जा सकती है तो हम क्यों नहीं। तो ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं जो हमारे समाज को लगातार तार तार कर रहे हैं, लगातार लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। और कोई भी जो इज्जतदार घर के लोग होते हैं ना, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि इस तरीके की गलत महिला को जगह मिले हमारे देश में, ऐसी महिला को यहाँ रहने दिया जाए। फिलहाल इसके कुछ चाहने वाले हैं जो बिल्कुल पूरा जोर लगा रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, और कई लोगों ने खुला सूरी वर्मा भाई का भी मैं एक वीडियो देख रही थी, उनको भी ओपन किसी ने धमकी दिया है कि तुझे हम देख लेंगे। और मुझे भी बहुत सारी धमकियां मिलती रहती हैं, तो मैं उन सब से जो भाई बहन आवाज़ उठा रहे गुलाम हैदर के लिए, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हाथ तो नहीं जोड़ सकती क्योंकि मेरे हाथ में ट्राईपोर्ट है, वो फ़ोन गिर जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आवाज़ को बुलंद रखें, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी वो बातों को रखें। हम आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। ऑलरेडी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के हितों के लिए ही हम ऐसा काम करती हूँ, हम ऐसा कोशिश करती हूँ कि किसी के जीवन में अगर हमारी वजह से कोई अच्छी प्रेरणा मिल सके तो हम उस पर काम करें, और उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटते। और मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जिसके माध्यम से मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, ताकि वो अगर उनके आर्थिक या किसी भी स्तर पर वो नीचे थोड़ा डाउन जा रहे हैं, वो उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है, हमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी रेणु सिंह जी हम बहुत सारी महिलाओं को अभी रोज़गार दे रही हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो इतनी हार्ड वर्क कर रही हैं आंटी। उसमें से इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, कुछ दिन पहले भर्ती थी अस्पताल में। आंटी कौन से अस्पताल में भर्ती थे आप? हैं बेस हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें एडमिट थी और इनका बहुत लंबा इलाज चला, उसके बाद सही हुए। तो आप देख रहे हो आपके सामने सामने में इतना सारा इन्होंने खेत में जो मसूर बोई हुई थी, ये पूरा खेत उखेड़ के कल उखेड़ा इन्होंने, और आज गट्ठा बात कर ले जा रही है। और दिन में मैं उधर को गई थी तो ये कूट रही थी डंडू से, उसको दाल बना के भर रही थी। इतना हार्ड वर्क करती है हमारी देश की महिलाएं, सरकार इनके सुविधाएं दे रही है, महिला को गैस फ्री है, बिजली पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन इस तरीके की इनलीगल महिला जिसे हमारे देश के लोग सपोर्ट करते हैं, इसका QR कोड डाला जाता है इसमें, और उसके जरिए ये इंटरनेट से भीख मांगती, ऑनलाइन भीख मांगती है लोगों से कि मुझे सपोर्ट किया जाए। और कुछ लोग इससे सपोर्ट मांगने आते हैं जो सक्षम लोग हैं, भाई आपके अंदर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट से आप फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया से पैसा भी कमा सकते हो, फिर ऐसी गंदी औरतों के लिए क्यों आप भीख मांगते हो, ऐसी गंदी औरतों के पास क्यों जाते हो कि हमें सब्सक्राइब कर लो, हमें TRP दो, क्यों? आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं है, आपको ऐसी औरत की ज़रूरत पड़ जाती है जो कलंक है, जो धब्बा है, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया और आगे इसका पता नहीं कौन सा कांड यहाँ पे करने आई है। तो दोस्तों खुला कहती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरे खुले बोलने की वजह से कुछ लोगों को दर्द हो जाता है, मिर्ची लग जाती, तकलीफ होती है, तो हम रखते हैं हक कि हम अपनी बातों को स्पष्ट रखें यहाँ पे। हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बेटा उठा दो उनको, गट्ठा हो गया, उठाना है, हाथ लगा दे। हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई अधिकार रखता है कि वो अपनी बातें यहाँ पे रखें। और खासकर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, दीदी कब जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, मोविन मलिक सर लगातार काम कर रहे हैं और लगातार
इस पर काम करते ही रहेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम बातों को रख रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस महिला का यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, जेल जाएगी, डिपोर्ट होगी, जो भी होगा कोर्ट और कानून इस पर फैसला करेगा। हम कोई नहीं होते अपने कोर्ट कानून पर सवाल उठाने वाले। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया सरकार निर्णय लेगी, आप कौन होती हो बोलने वाली, जब हम बोलेंगे तभी तो सरकार तक बात पहुँचेगी। ऑलरेडी सरकार तक बात पहुँच रही है और लोगों तक बात पहुँच रही है। हम चाहते हैं कि यह केस जिस तरीके से घुमाया गया या घुमाने की कोशिश की जा रही है, या जो लोग भी गुलाम हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो मोबिन मलिक सर ने साफ शब्द में कहा है जो भी गुलाम हैदर के सपोर्टर हैं उनको अगर किसी प्रकार की धमकी दी जाती है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो थैंक यू सर, क्योंकि आपकी वजह से ही कई लोग यहाँ पे अपनी बात को रखते हैं, जिस तरीके से उनके साथ गलत किया जाता है, तो हमने देखा आपके सामने में कई चीज़ें की गई। आप जैसे अगर लॉयर हमारे देश में है तो कानून पर से किसी का भरोसा नहीं उठेगा, सबको भरोसा रहेगा कि हमें एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से कुछ नया करने की और कुछ प्रेरणात्मक चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोग आहत होते हैं, हमारे देश की जनता आहत होती है, हमारा समाज आहत होता है, तो हम भी आहत होते हैं। लेकिन हम अगर हिम्मत हार देंगे तो हम जानते हैं फिर कौन आगे को बोलेगा, इसलिए अपनी उम्मीदों को जगाते हुए आगे को इसको जल्द से जल्द डिपोर्ट करें, इसलिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस पर। तब तक हम आवाज़ उठाएंगे जब तक इस महिला को हम अपने देश से निकाल नहीं देंगे। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।